मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का एक लेक्चर हम लोग पहले ही देख चुके हैं, वहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने बताया था, आपने सीखा। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बहुत ही आसान टॉपिक है, ये सब जानते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको पढ़ें नहीं या उसको आप नेगलेक्ट कर दें। मैंने बोला कि किसी चीज़ को आप नेगलेक्ट कर देते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो आपके लिए घातक हो जाता है, और जो आसान टॉपिक आपको लगते हैं वो आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम के पहले ही आप कवर कर लें। अगर वो टॉपिक आप नहीं करते हैं और जब मॉडल पेपर में क्वेश्चंस वो आते हुए देखते हैं तो लास्ट में आप ये सोच समझ नहीं पाते कि इनको पढ़ें या ना पढ़ें। अगर आप उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप जो मेन एनर्जी है आप आसान से टॉपिक को कम्प्लीट करने में लगा देते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भी एक स्कोरिंग टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है बट वो आसान है, तो आपको ये लास्ट में नहीं पेंडिंग में रखना है, पहले ही रखना है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बात करेंगे, पूरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि मैट्रिक्स सिंगुलर क्या हो, कौन सी होती है, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज जीरो। कहने का मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, वैल्यू किसकी चेक करेंगे, डिटरमिनेंट की, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, वैल्यू किसकी चेक करेंगे, डिटरमिनेंट की, ठीक। डिटरमिनेंट वैल्यू जिन जिन की, जो भी डिटरमिनेंट वैल्यू, जिन जिन मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होती हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स दी गई एग्जाम्पल में 1 ए बी प्लस सी, 1 बी सी प्लस ए, 1 सी ए प्लस बी, हमने बोला ऐसे इस बॉक्स में रखने का, इस बॉक्स में एलिमेंट जब आप रखते हैं तो इस बॉक्स का एक खुद का रिप्रेजेंटेशन है, खुद का एक कि ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आप इस बॉक्स को डंडों से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक डिटरमिनेंट बन गई 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी। अगर आप ध्यान दें इसको, इस कॉलम के एंट्रीज़ को इस कॉलम के एंट्री से जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पे आप पाएंगे 1 1 1 ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी वही पा जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये यहीं पर रहेगा। चेंजेस हमने क्या किए, ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ ऐसे दिखाते हैं कि कॉलम टू में ऑपरेशन करने वाले हैं, कॉलम टू और कॉलम थ्री के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंगली जोड़ दिया, तो अपडेट कॉलम टू हुआ ना कि थ्री। तो जो अपडेट नहीं हुआ वो ऐसे ही रहेगा। अब एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी कॉलम में या पढ़ेंगे, और ये बहुत मतलब आम सी बात है, ठीक है, कि आपको पता है कि जब भी आप फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं, ठीक है, ये सिखाया नहीं जाता, ये आम बात हो गई, ठीक है, एडिकेट्स हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग ए प्लस बी प्लस सी किसी भी कॉलम से या किसी रो से कॉमन ले सकते हैं, जब ले लेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, जब दो रो या दो कॉलम समान हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है, तो डिटरमिनेंट यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होना इस बात का एश्योरिटी है, इस बात का प्रमाण है कि ये मैट्रिक्स जो थी वो मैट्रिक्स क्या आई, सिंगुलर। मैट्रिक्स में कुछ नहीं किया हमने, मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट ली और उसकी वैल्यू को चेक किया, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाना उस मैट्रिक्स को सिंगुलर बना देता है, क्या बना देता है, अगर सिंगुलर नहीं है तो क्या होगा, अगर बोला गया कि ए इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा बताइए, बोलिए भाई, हाँ सिंगुलर अगर नहीं है तो क्या होगा, हाँ इस मैट्रिक्स, तो ए ये मैट्रिक्स है, इसके ऊपर ऐसे दो डंडे लगा दें या डी ई टी ए लिख दें,
ये डिटरमिनेंट हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई? अगर ज़ीरो है, ज़ीरो होने से वो सिंगुलर है, और ज़ीरो नॉन सिंगुलर के लिए क्या है? हाँ, तो अब ये डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर है, वो सिंगुलर नहीं है। मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर। क्या हो गई? नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर और सिंगुलर, उसकी डिटरमिनेंट पर निर्भर है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो या नॉन ज़ीरो होगी तो मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, अब ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कहाँ पर इंपॉर्टेंस है ये हम लोग आगे देखेंगे। इसका बहुत ही इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मैट्रिक्स इन्वर्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगी वो मैट्रिक्स सारी कैसी होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर। वो आगे देखें क्यों ऐसा है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है आपके टेस्ट या टॉपिक या असाइनमेंट में, ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आप उनको कर ले जाएंगे। ठीक है, फॉर विच द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दी गई है x प्लस वन माइनस थ्री फोर माइनस फाइव एक्स प्लस टू टू फोर वन एक्स माइनस सिक्स इज सिंगुलर। उसने बोला कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x, जो वेरिएबल x लिया गया है उसकी वैल्यूज को डिटरमाइन करना है, और ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो हमने बताया था मैट्रिक्स सिंगुलर या सिंगुलर ना होना उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पर निर्भर है। उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर जीरो हुई तो सिंगुलर होगी। तो उसने बोला सिंगुलर है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना क्या है, करेंगे आप यहाँ पर ही आप ये सारी एंट्रीज यहाँ रख देंगे, इसको जीरो कर देंगे। डिटरमिनेंट आप निकालना जानते हैं। ठीक है, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके जो रूट्स होंगे वही एक्स की वैल्यू जाएंगे। ठीक है, उसका आंसर आप दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। उसका आंसर मतलब वहाँ पर ही देंगे जहाँ पर मांगा गया। ठीक ठीक है, ये हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? हाँ, मतलब इसलिए छोड़ दिया गया कि आप ऐसे क्वेश्चन अगर करवाएंगे, लेकिन नहीं, हमने बोला ही है कि मतलब आप रेंज रोवर से क्या है, हैं चारा डलवाते तो क्या है, तो उसकी इफिशेंसी को आप बढ़ा रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग, एडजॉइंट। कहने का मतलब एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स दी गई होगी उसका एडजॉइंट निकालना है। पूरी मैट्रिक्स में एडजॉइंट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत समझना ज़रूरी है। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज एडजॉइंट पर होंगी, तो कोई मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए डी जे ए। कोई मैट्रिक्स होगी अगर एडजॉइंट ऑफ बी, बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा बोलिए? हाँ, तो आप उस पर ए डी जे बी। ए इनवर्स मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए जी ए जे ए इनवर्स। ठीक है, ओके, यानी जहाँ पर भी किसी मैट्रिक्स के आगे आप ए डी जी ए लगा देंगे, समझ रहे कि नहीं? ठीक है, किसी भी आपने नाम के आगे डी आर लगा दिया, हाँ तो डॉक्टर बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी मैट्रिक्स के आगे क्या लगा दिया? ए डी जी ए लगा दिया, तो क्या है? हाँ, वो डॉक्टर तो नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? एडजॉइंट। अब एडजॉइंट जो डॉक्टर बना वो परमात्मा होगा कि इंसान है अभी भी? हाँ, तो ये क्या थी? मैट्रिक्स। ये क्या है? एडजॉइंट लगाने के बाद ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी क्या है? मैट्रिक्स ही है। ठीक है, रहेगी वो मैट्रिक्स ही। तो एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज आल्सो अ मैट्रिक्स। जैसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी से अगर पूछा जाए तो ये नहीं बता पाएगा कि एडजॉइंट होता क्या है। तो ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। हाँ, इसको एक इसकी एक व्यवस्था है, इसका अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को कैसे निकालेंगे
कैसे देखेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज आल्सो अ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस डेफिनेशन या जो स्टेटमेंट दिए गए उस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। डेफिनेशन हमेशा याद रहनी चाहिए। यहाँ पर हमने बोला कि जब भी आप छाता रखते हैं तो उसके दो रूप होते हैं, ठीक है, एक खुला हुआ रूप, एक कॉम्पैक्ट। तो ये मैट्रिक्स जो है अपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाया गया, दर्शाया गया कि हमने एक मैट्रिक्स ले ली। वो मैट्रिक्स सपोज जबकि तो बताया कि सी आई जे बी द को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए, तो इसका क्या मतलब है थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स हमने ली, अब उसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड मतलब ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू और ए टू थ्री, और ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। मतलब इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते थे ए आई जे थ्री क्रॉस थ्री, ठीक है। इसी को सेम ये दर्शाया गया, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है। अब उसने बोला कि सी आई जे, सी आई जे ऑफ ए आई जे, तो जब सी आई जे ऑफ ए आई जे हो रहा है, सी आई जे किसका है, तो सी वन वन ऑफ बोलो ए वन वन होगा, सी टू वन ऑफ ए टू वन होगा, वन टू या टू वन बोलो भाई, हाँ सी थ्री थ्री ऑफ ए थ्री थ्री, सी टू थ्री ऑफ ए टू थ्री, यानी है बताइए भाई कहाँ, यहाँ करें यहाँ करें, कहाँ कहाँ, हाँ मतलब लेफ्ट या राइट में, लेफ्ट में, तो मतलब जहाँ गलती हुई आप समझ जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, ठीक, इसका मतलब आप समझ गए। तो हर एलिमेंट का क्या होगा कोफैक्टर, इसका ही मतलब समझ आए, हर एलिमेंट का क्या होगा, और वो एलिमेंट होंगे कहाँ पे, कहाँ एलिमेंट होंगे, लाइब्रेरी में, क्लास में, कहाँ में, मैट्रिक्स में नहीं, गिवन मैट्रिक्स में, गिवन मैट्रिक्स। अब वो गिवन मैट्रिक्स है क्या जो आपने मानी है ए आई जे थ्री क्रॉस थ्री, तो ए आई जे थ्री क्रॉस थ्री में कितने एलिमेंट है, नाइन है, तो कितने को फैक्टर होंगे, नाइन, और करस्पॉन्डिंग होंगे क्या होंगे, हाँ ए वन वन का को फैक्टर क्या होगा, ए वन वन का सी वन वन, ए वन टू का ए थ्री थ्री का, हाँ तो अब समझ में आया कि जितने भी एलिमेंट होंगे उसके करस्पॉन्डिंग सबके क्या होंगे को फैक्टर, इतनी बात समझ आएगी। कैसे निकालेंगे अभी इस बात बात नहीं कर रहे, हमने बोला है क्या पहले समझे तो, ठीक है, कैसे आया ये बाद में बात आई, समझे कि नहीं, कुछ ऑफर कर किया जाता तो आप पूछते हो कहाँ से आया कि क्या है, बोलो कोई कुछ दे रहा है तो आप क्या पूछते हो कहाँ से आया कि क्या है, आप पहले पूछते है क्या है, जब बोलता कि मिठाई है तो कहाँ से आई, मेरा सिलेक्शन हो गया, वाह तो आप बोलते हो कि नहीं, हाँ ठीक, फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं कि पहले खा लेते हो, हाँ ठीक, इतने तो एटिकेट्स सिखाए गए ना, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि क्या है कोफैक्टर और कहाँ से आ रहा है, तो मैट्रिक्स में अब कैसे निकालेंगे ये भी बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहले हम ये स्टेटमेंट को समझने वाले हैं, मतलब इतनी स्टेटमेंट हमने समझ ली, ठीक, अब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, ठीक। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमने कल आपको ट्रांसपोज बताया था, ठीक है, ट्रांसपोज मतलब ये नहीं अलटना पलटना नहीं, ट्रांसपोज का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको दी गई है, जैसे आप कैसे बताएंगे, आप मैंने बोला कि कोई बात आपके सामने आती है, आपको आता है, ठीक है, आपको आता है, आप किसी खाने के लिए 70 रुपये देते हैं, और किसी खाने के लिए आप 700 रुपये देते हैं, और किसी खाने के लिए 1700 रुपये भी देते हैं, तो बताइए अंतर कहाँ पे आ गया, बोलो बताइए, प्रेजेंटेशन किस में अंतर आ गया, वो जैसे प्रेजेंट कर रहा है उसे ही पैसे बढ़ते जाते कि नहीं, हाँ तो समझ रहे कि नहीं, तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे, चीज़ों से कि चीज़ों के प्रेजेंटेशन से, हाँ क्या सीखना है, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे आपको रिप्लाई भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कैसे बताने वाले हैं, आपने कहा कि कोई आपने मैट्रिक्स ले ली, जैसे इस बात को आप ध्यान रखिए कि आप बताते तो कैसे बता रहे हैं, ठीक है, अमित कटियार बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं, क्या डिफरेंस है, ये मैट्रिक्स आपने ले ली एन ऑर्डर एन की, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट ए आई जे थे, क्या थे, आपने क्या किया उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं किया, क्या नहीं किया ऑर्डर चेंज,
मगर आपने जहाँ ए आई जे थे वहाँ जे आई कर दिए, क्या कर दिए, तो वो मैट्रिक्स ए नाव के ए ट्रांसपोज हो गई, क्या हो गई, यानी कि सारे ए आई जे को ए जे आई बना दीजिए, क्या बना दीजिए। अब जब सारे ए आई जे को ए जे आई बनेंगे तो इसका मतलब कॉलम वाले एलिमेंट कहाँ चले गए, रो में, और रो वाले एलिमेंट कहाँ चले गए, तो जब रो वाले एलिमेंट को कॉलम में चले जाएंगे और कॉलम वाले एलिमेंट रो में चले जाएंगे, ये इंटरचेंज जैसे होगा उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ऐसे आप बताएंगे तो हमें आप में डिफरेंस पड़ जाएगा, ठीक है, है हाँ। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स समझ में आई, इंटरचेंज कर दें आप रो के एलिमेंट को कॉलम में और कॉलम के एलिमेंट को रो में, तो उसने बोला ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो एलिमेंट का ट्रांसपोज की कोफैक्टर्स का, हाँ। तो अब ध्यान रखें, यहाँ पर हमने ए आई जे का ट्रांसपोज किया था, अब यहाँ पर किसका करेंगे, ए आई जे के सी आई जे का, सी आई जे है, ठीक है। अब सी आई जे का क्या करें, ट्रांसपोज कर दें। अब जैसे सी आई जे का ट्रांसपोज करेंगे तो सी जे आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ पर ट्रांसपोज करके दिखा सकते हैं, आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि कोफैक्टर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, तो क्या ऐसे कर दिया, ये आ गया। अब वो कोफैक्टर किसके हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए दिया गया, ये ले ली गई, आपने एक मैट्रिक्स ली, इसके करस्पॉन्डिंग आप एक मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आएगा, C11, इसके करस्पॉन्डिंग C12, इसके करस्पॉन्डिंग ये ऐसे हो जाएगा, नहीं ये, तो इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स बन गई, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, हाँ इसका क्या ट्रांसपोज, क्या करेंगे, जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या हो जाएगा, रो वाले एलिमेंट कहाँ पहुँच जाएंगे, कॉलम में, तो कॉलम वाइज रख दिए C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और, ठीक है। उसने कहा मैट्रिक्स ए लीजिए, क्या लीजिए, ए मैट्रिक्स लीजिए, ले ली, उसके एलिमेंट्स लीजिए, ले लिए, उसका कोफैक्टर लीजिए, ले लीजिए, उसका क्या कर दीजिए ट्रांसपोज, तो वो क्या बोला जाएगा, तो इसको क्या बोला गया, एडजॉइंट ऑफ ए, समझ आई बात कि नहीं, इसी को एडजॉइंट ऑफ ए बोला गया। तो जब ये आ गया तो इसी को बोला गया ए डी जे ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, ठीक है। अब हमने देखा कि कोफैक्टर्स मैट्रिक्स के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग होते हैं, बट अभी तक ये नहीं देख पाया, एडजॉइंट भी देख लिया मगर कोफैक्टर कैसे बनाए जाएंगे ये नहीं देख पाया। देखा किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे आएगा, नहीं देखा ना, बस ये केवल देखेंगे, बाकी चीज़ देख चुके, ठीक। कोफैक्टर्स ठीक, कोफैक्टर्स, तो जब कोफैक्टर हम लोग देख रहे हैं उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जब भी कोफैक्टर की बात आती है एक और चीज़ की बात आती है, वो है माइनर, क्या है, माइनर्स, ठीक है, ठीक। तो माइनर्स एम आई जे ऑफ ए आई जे इन ए, तो जैसे हमने देखा था वही बात हो गई कि मतलब M11 किसका, A11 कोई मैट्रिक्स आपने ली, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और, तो अब इसका ऑफ A12 इन A, इसका माइनर क्या होगा, M12, ठीक है, ओके। तो जितने भी एलिमेंट्स उसके उनके सबके क्या होंगे, माइनर होंगे। अब वो माइनर निकालेंगे कैसे, हम इस पे बात करनी है। चलिए, हमने बोला कि कभी भी आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, कभी भी समझ रहे हो, तो
एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो बात भूल जाते हैं लोग, ये मैंने सीखी है कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि हम जो चीज़ निकाल रहे हैं वो मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो पहले ही आप ये तय करेंगे कि माइनर माइनर मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट। जैसे हमने बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमने बताया एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, क्या है बताया कि नहीं बताया, ए भी हमारा क्या है मैट्रिक्स है। बट जब हम मॉड ऑफ ए कर देते हैं तो क्या हो जाता है डिटरमिनेंट, मतलब एक वैल्यू, ये क्या हो गया वैल्यू है और ये अरेंजमेंट है। अब आपको ये पहले तय करना होगा, बताना होगा कि माइनर एम आई जे ये सी आई जे हैं, ये सब मैट्रिक्स हैं ये डिटरमिनेंट है। बोलिए क्या है डिटरमिनेंट्स हैं, कैसे पता कब जाने कैसे। अच्छा अच्छा चलिए, इन्होंने बहुत सुंदर बात बोली बड़ी, अभी बता नहीं पा रही कैसे आने। खैर ये डिटरमिनेंट्स वैल्यू हैं, क्या हैं डिटरमिनेंट्स वैल्यू। ठीक है, ये पहले जाने मतलब वैल्यूज हैं, ये क्या है वैल्यूज हैं। ठीक, ये अरेंजमेंट नहीं है, सब मैट्रिक्स नहीं है, तो पहले आप दिमाग में लिख लीजिए, लिख लीजिए ठीक है, राइट डाउन कि कोफैक्टर्स इज नॉट अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स अ डिटरमिनेंट वैल्यू। कोफैक्टर्स को जब रखे, जब हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं तो वो उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या है एक मैट्रिक्स बनती है, वो एडजॉइंट ऑफ ए होती है। ठीक है, क्या नाम तुम्हारा, तुम्हें समझ में आ रहा है कम आ रहा है, चलो तुम इस बार बिहार में। ठीक है, वो कहते हैं जिधर बिहारी ठीक है उसका पड़ला भारी। ठीक है, ये ध्यान रखो, अब मुझे लगता है मावला क्लासेस बिहार में ज़्यादा फेमस हो रही है, हर दिन मतलब हम देखते हैं कि 10-15 लोग फ़ोन करते हैं या मैसेज आ जाता है। ठीक, तो पता नहीं ऐसा नहीं, मैं बिहारी जैसा लगता हूँ। नहीं हो जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब बिहारी अपनापन मान के मतलब कि अपना जैसा है बाकी सब दमन यार, कुछ ऐसा समझ कुछ रिसर्च करना पड़ेगा कि मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनापन दिखता है। मैं सोच पूछता हूँ कि भाई और भी बहुत सारे चैनल हैं, तो बोलते जब ये आपको आपके वाले चैनल देखते तो मतलब अपनापन फील होता है, तो मैं कुछ मैंने कहा ठीक भाई है तो आगे वर्ड जोड़ते बिहारी चलो खैर ये तो एज ए जोक है। ठीक, क्योंकि हम लोग अपने बैच में बहुत सारे बिहारी थे हमारे बैच में, तो हम लोग उनको बहुत चिढ़ाया करते थे। ठीक, तो माइनर्स देखेंगे हम लोग, एक बार प्रॉपर हम लोग डेफिनेशन लिख लें फिर उसको समझाते हैं। तो यहाँ देखते हैं, हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ली है और एक ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पर रियल वैल्यूज़ हैं, तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे और जनरल फॉर्म में भी देखेंगे। उसकी डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन को हमने अभी बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे वर्ड्स थे उसको उतार दिया है, जैसे कि कोई वर्डिंग इधर उधर ना हो, बट उसको कैसे लर्न करना है वो हमें देखना है। ठीक, हमने पहले बताया था कि एक हमने मैट्रिक्स को सपोज़ किया एम आई जे ऑफ ए आई जे इन ए, इस बात को भी हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं कि जब विदाउट मैट्रिक्स कुछ भी होने वाला है, और एम आई जे ऑफ ए आई जे इन ए इस बात को भी हम कम्प्लीट कर चुके हैं। इतना कैसे हुआ था पिछली बार में अभी बैक में हम लोग समझा चुके हैं कि नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। देखो सीधे सीधे यहाँ दिया गया डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब क्या है ये, हाँ माइनर क्या है डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट अ मैट्रिक्स, सबसे पहली बात जो हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक, अब क्या है ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का ही पार्ट है, उस मैट्रिक्स से ही निकल गया ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन, यानी जितने ऑर्डर की दी गई है, अगर तीन ऑर्डर की दी गई है तो सब मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लेंगे, दो ऑर्डर की, चार ऑर्डर की दी गई तो सब मैट्रिक्स कितने लेंगे, तीन ऑर्डर की, पांच ऑर्डर की दी गई सब मैट्रिक्स लेंगे चार, हमेशा जितने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो दी गई है जितने ऑर्डर की उससे एक ऑर्डर कम,
बाई ऑप्टेन बाई लीविंग आईथ रो और जे एथ कॉलम, जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं वो जिसका माइनर निकाल रहे हैं वो जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा वो कॉलम और वो रो ही हटा देंगे, उसके बाद जो स्क्वायर सममेट्रिक बनेगी उसका डिटरमिनेंट। तो चाहे सपोज हमें एम वन वन निकालना है, क्या निकालना है, तो आप ये इस रो में है कि नहीं, हटा देंगे, इस कॉलम में हटा देंगे, इसके बाद एक कम ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलेगी, उसका मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट वैल्यू, हाँ ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। डिटरमिनेंट वैल्यू का मतलब है कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, एक ऐसी एक्सप्रेशन माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टू थ्री और ए थ्री टू, यही वैल्यू क्या होगी माइनर एम वन वन। अभी किसका है, ऑफ ए वन वन, और वो किसका मैट्रिक्स ए में, तो एम वन वन ए वन वन का माइनर है और ए वन वन मैट्रिक्स ए में है, वो कैसे आया, उस मैट्रिक्स में जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे थे वो एलिमेंट जिस रो में था उस रो को हटा दिया, लिविंग मतलब हटा देना, और जिस कॉलम में था वो हटा दिया, उसके अलावा जो हमारी मैट्रिक्स बची उसका डिटर्मिनेंट। ओके, जैसे मैं एक हम निकाल देते हैं, जैसे टू वन निकाल लें, क्या निकालना हमें, हम एम टू वन निकालना है, तो किसका, ए टू वन का, ए टू वन का। अब ए टू वन का मतलब है कि दूसरी रो में जाइए या पहले कॉलम में जाइए, ठीक है, तो दूसरी रो में गए और दूसरी रो में कैस कौन सा पहला ही एलिमेंट, तो मतलब ये वाला, ठीक। अब ये वाला एलिमेंट निकाल क्या माइनर निकालने वाले हैं, तो इस रो को और इस कॉलम को वर्चुअली हटाने का मतलब क्या है, आप वर्चुअली दिमाग में हटा लीजिए, जो बचा हुआ है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू, तो क्या बचा, टू थ्री टू फोर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई एट, इससे ऐसे मल्टीप्लाई सिक्स, ये टू आया, एक वैल्यू आई, वही वैल्यू क्या है, हाँ टू वन, ये निकाल लेंगे आप, निकाल दूँ या निकाल लेंगे, हाँ तो माइनस बाकी आप जो बचे हुए निकाल लेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इससे क्या है कि आप किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग आप इस इन माइनर्स को निकाल पाएंगे, डिटरमिनेंट वैल्यूज़ हैं, ये माइनर्स हैं, इन्हीं का कनेक्शन हम अभी कोफैक्टर से करने वाले हैं, ठीक है। अब वही कि एक मैट्रिक्स हमने ले ली ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो सी आई जे ऑफ ए आई जे इन मैट्रिक्स ए, ठीक है, किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ठीक। तो यहाँ पर कोफैक्टर्स की डेफिनेशन और माइनर की डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कोफैक्टर सी आई जे जो होता है, आप एम आई जे निकालिए, तो एम आई जे निकालना सीख गए कि नहीं, बोलिए एम आई जे निकालना सीख गए, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप माइनस निकाल लेंगे, आप बस केवल क्या करिए, माइनस का माइनस वन की पावर i प्लस जे टाइम्स कर दीजिए, माइनर का माइनस वन की पावर i प्लस जे टाइम्स करेंगे तो जो वैल्यू अब आएगी वो क्या हो जाएगी, कोफैक्टर। अब ये डायरेक्टली रिलेट है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट, ये क्या है, और डिटर्मिनेंट है तो ये क्या होगा, तो कोफैक्टर इज आल्सो अ डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एक बात कि माइनस वन की पावर वन करने पर क्या आता है, माइनस वन की पावर थ्री करने पर क्या आता है, माइनस वन की पावर ऑड करने पर क्या आता है, माइनस वन की पावर टू करने पर क्या आता है, माइनस वन की पावर इवन करने पर क्या आता है, ठीक है। तो अब माइनस वन की पावर या तो ये ऑड बनेगा या इवन बनेगा, तो देखिए सी आई जे माइनस एम आई जे बन गया, सी आई जे माइनस एम आई जे बन गया, कब बन गया, वैन आई प्लस जे क्या है, बोलिए आई प्लस जे क्या है, ऑड होगा, और सी आई जे एम आई जे के बराबर हो गया वैन आई प्लस जे इवन है, ठीक है, आई प्लस जे क्या है, इवन है, तो सी आई जे एम आई जे में फ़र्क नहीं भी हो सकता है और सी आई जे एम आई जे के अपोजिट हो सकता है, दो ही बात होगी, या तो सी आई जे एम आई जे के बराबर होगा
या सी आई जे एम आई जे के अपोजिट, दोनों को सम करें तो जीरो। कहने का क्या मतलब हो गया, ये आपने कोई मैट्रिक्स जैसे ली थी ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए ली, जैसे आप ए वन टू के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए टू फाइव थ्री के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए टू टू के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई जे, आई कितना है यहाँ पे वन और जे कितना है, इनका सम क्या है ऑड या इवन, ऑड है, सम क्या है तो ऊपर वाला कि नीचे वाला, यानी कि सी वन टू जो आएगा वो माइनस टाइम्स एम वन टू आएगा, यहाँ पर क्या है ऑड है कि इवन का सम, ऑड है, तो सी टू थ्री माइनस टाइम्स एम टू थ्री आएगा, यहाँ क्या है तो सी टू टू एम टू टू के बराबर आए, बताइए, तो या तो माइनर के बराबर आ जाएगा या उसके अपोजिट आएगा। जैसे आप इसको ऑब्जर्व करें तो इवन है कि ऑड है, तो उसी के बराबर आ जाएगा, इसको ऑब्जर्व करें इसको ऑब्जर्व करें, हाँ तो समझ आई बात कि नहीं, तो ऐसे आप माइनर और कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, कोफैक्टर्स का माइनर से क्या रिलेशन है समझ में आया कि नहीं, ये डिटरमिनेंट है कि मैट्रिक्स से, समझ में आया ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो अभी तक हमने अभी तक क्या कर पाए, क्या सीखा, सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हमने देखा, फिर उसके बाद हम एडजॉइंट पे बात की, एडजॉइंट पे देखा कि कोफैक्टर्स क्या, कोफैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो कोफैक्टर्स सीखने के लिए माइनर्स, फिर माइनर्स के बाद कोफैक्टर्स। अब हम सीख चुके हैं कि माइनर्स कैसे निकाले जाते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, एडजॉइंट कैसे बनेगा। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, एक मैट्रिक्स, हमने एक मैट्रिक्स सपोज कर ली, हमें क्या निकालना है इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, करस्पॉन्डिंगली आप कोफैक्टर से बनाई हुई मैट्रिक्स बनाइए उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। और ट्रांसपोज ऑपरेशन भी सीखा था, ट्रांसफर ऑपरेशन सीखा था कि नहीं, रो की एंट्रीज को कॉलम की जगह, कॉलम की एंट्रीज को रो की जगह, यानी ए आई जे ए जे आई में चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सी वन वन अगर निकालें तो निकाल पाएंगे, सी वन वन पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, बोलिए पॉजिटिव आएगा, तो सी वन वन कैसा आएगा पॉजिटिव, और तो सी वन वन पॉजिटिव, तो ये गया और ये गया, ये गया ये गया, समझ रहे कि नहीं, तो फोर में से नाइन गया, फोर माइनस नाइन माइनस फाइव, सी वन टू निकाला निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव आएगा। अब देखो वन टू मतलब ये गया तो फोर एट हो गया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई एट माइनस सिक्स, तो कितना माइनस टू आया। सी वन थ्री निकालेंगे तो ये आया, ये गया तो इसका ऐसे, इसका ऐसे, और प्लस की माइनस, तो सिक्स माइनस वन दैट इज सिक्स माइनस वन या सिक्स माइनस टू दैट इज फोर आ गया, ठीक है। अब सी टू वन निकालें तो माइनस या प्लस, माइनस, अब ये गया ये गया ये और ये, तो ये एट आया, ये एट माइनस नाइन वन आ गया। सी टू टू प्लस या माइनस, प्लस, ये गया फोर माइनस सिक्स माइनस टू आ गया, ठीक है। अब सी टू थ्री करेंगे प्लस या माइनस, माइनस, ये गया तो कितना आया थ्री माइनस फोर वन आ गया, ठीक है। यहाँ पर करें सी थ्री वन करेंगे, ये गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो सिक्स माइनस थ्री थ्री आ जाएगा। सी टू करेंगे माइनस या प्लस, तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, सब हमसे करवाओगे भाई, वो आया थ्री। अब ये क्या आएगा वन माइनस फोर माइनस थ्री आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, हाँ कोफैक्टर्स की, अभी मैट्रिक्स क्या बना रहे हैं, वही एडजॉइंट होगा या नहीं होगा, बोलो अभी अभी नहीं होगा ना। तो हम लोग सी वन वन ऐसे रख दें, तो सी वन वन क्या है, सी वन टू
C13, C21, C22 और C23, C31 ये आ गया, फिर 3 आ गया माइनस 3। ये हमारी कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स आई, मतलब ये आई CIJ, ये क्या आई? हाँ CIJ आई है, और CIJ वो सारे CIJ जो AIJ से रिलेटेड है, ये सारे CIJ किसके करस्पॉन्डिंग है? A बराबर AIJ से, ठीक है। अब ये N क्रॉस N की है तो ये भी N क्रॉस N की होगी। अब इनका क्या कर दें हम? ट्रांसपोज कर दें। क्या कर दें? ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स नहीं ऑपरेशन है। अब वो ऑपरेशन क्या करता है? रो के एलिमेंट को कॉलम में और कॉलम के एलिमेंट को रो में चेंज कर देता है, तो ये पड़े हुए नंबर्स को क्या खड़ा कर देता है। तो ये पड़े हैं तो उनको क्या है? खड़ा कर दीजिए। ये भी पड़े हैं, खड़ा कर दीजिए। ये भी पड़े हैं, हाँ। तो ये आ गया एड ज्वाइंट ADJA, ठीक है। चलिए, हाँ सीखा आपने, समझ में आ गया। चलिए अब जैसे कि अगर हम कोई मैट्रिक्स लें 3, 4, 2, 5, अब इस मैट्रिक्स का ADJA निकालना हो आपको, चलिए आपकी तरह निकाल लेते हैं जैसे आप निकालते हैं, मतलब इसका निकालेंगे तो ये प्लस या माइनस? प्लस, तो ये जाएगा, ये जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो ये गया, ये गया। देखो भाई, इसका निकालने गए हम लोग तो हम लोग इसको छिपाएंगे और इसको छिपाएंगे, तो ऐसे ऐसे हमने छिपा दिए, बचा गया। अब इसके साथ कुछ करेंगे नहीं, हम समस्या में तब फंस जाते हैं जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। जब करने के लिए होता तब मुझे दिक्कत नहीं होती, तो ऐसे करने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 5 आ गया, क्या आ गया? 5। अब जब इसके लिए जाएंगे तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ आ गया, अब ये छुप गया और तो ये क्या आया, दिख रहा है कि नहीं? हाँ -2 आ गया। ऐसे इसके लिए माइनस, तो आपको क्या दिखा? -4। अब इसके लिए क्या? 3, ये आ गया। अभी ये एडजॉइंट नहीं आया, ये एडजॉइंट नहीं आया। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे? ट्रांसपोज करने गए तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमें पड़े हुए को क्या करें? 5 - 2 -4, 3 ये आ गया ADJA, आया कि नहीं आया? अब इसको इससे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इससे ऑब्जर्व करके सीधे निकालना चाहें तो क्या करेंगे? देखो, इनको इनको आपस में इंटरचेंज किया गया, क्या किया गया? डायगनल एलिमेंट को आपस में पलट दिया गया कि नहीं? तो 5 की जगह क्या कर दिया गया? और 3 की जगह 5। और इनको देखो अपोजिट कर दिया गया होगा, ये -4 कर दिया, -2 कर दिया, नहीं आया। तो अगर एक मैट्रिक्स ए है, ABCD, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? हाँ, ये क्या करें? नेगेटिव कर दें, इंटरचेंज कर दें, बोलो बोलो। हाँ मतलब ये कर दें -A - D और ये सी और बी, बोलिए ये होगा या नहीं होगा? सही है गलत है? ऐसा करेंगे? कसम खाएंगे? नहीं खाएंगे, खा लो भाई। यहाँ पर क्या करेंगे? डी और ए, यहाँ पर इंटरचेंज करना है, ये तो -C - B, बोलो ऐसा होगा? कसम खाएंगे? ऐसा नहीं करेंगे। कैसा करेंगे? आंसर हमेशा ऊपर होना चाहिए, ये नीचे है ना, हाँ। क्या करेंगे? हाँ यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, नहीं करेंगे? हाँ डी और ये -B और, हाँ ये हमारे कन्फ्यूजन है। ऑप्शन जब आते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा हिल जाता है कुछ देर के लिए, तो ये भी लिख लीजिए, ऐसे ऑप्शन आएंगे तब आप फिर थोड़ा सा दोबारा फिर तब आप क्या करेंगे? तब आप लगा के देखेंगे तो ट्रिक फिर काहे की रही ट्रिक, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 का, इसको बोलते हैं, कह सकते हैं जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ट्रिक, तो आज लिख दे रहे हैं ट्रिक है, और बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। कि आप 2 क्रॉस 2 या आगे वाली भी दिखा कर सकते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट
ऑफ ए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे मैट्रिक्स का बेसिक फाउंडेशन है। ये मैं समझ नहीं आता कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बट जब आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने बोला आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैट्रिक्स के पूरे मैट्रिक्स के सेंस में रिगार्ड्स में बात की है, बट बहुत से लोग समझ नहीं पाते। चलिए हम लोग देखते हैं, हमने कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर ली ए आई जे, अगर उसका हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो हमें पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे कोफैक्टर होंगे उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमें मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, उसका एडजॉइंट। ठीक है, इतना ही तो सीखा हमने। कोफैक्टर ऐसे निकालते हुए वो सीख लिए कि नहीं लिखे, नहीं सीख पाया? हाँ, अब हम एक प्रॉपर्टी सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने यहाँ पे ये कर दिया है, तो जानबूझ के किया या हो गया, इसका मतलब क्या है? हैं, हाँ, ये खाली स्थान हो गया, कब्रिस्तान नहीं है क्या? ये खाली स्थान है, खाली स्थान को क्या करना है? हाँ, जहाँ पे हम लोग आदत है जहाँ भी खाली मिला ठीक है भर देते हैं, देखते हैं हमें कितना भरने में अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक, तो आप इस चीज़ को हम देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और रियल में इसके बाद आपका मैथ्स का लेवल क्या होगा? हाँ, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी, लेवल नहीं, क्या बढ़ जाएगी? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप बेहतर, आप अभी हमें जान रहे हैं या जब आए थे एडमिशन लेने तब? हाँ, जान पहचान हमारी थोड़ी बढ़ गई ना नूतन हैं। हाँ, ये वर्ड इंडिया तक जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इंडिया पे नाम करना है। चलिए, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लें? कोफैक्टर। क्या लें? उसका क्या करना है बोलिए। हाँ, अब यहीं लड़खड़ा जाते हैं। ठीक है, हमने बोला ही था कि एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि राम इज द सन ऑफ दशरथ। ठीक है, इस बात को आप, इस वर्ड को जैसे ध्यान दें तो इस वर्ड को अगर हिंदी में बोलें तो दशरथ के पुत्र, मतलब इंग्लिश का वर्डिंग ऐसे चला और हिंदी ऐसे चली। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले कोफैक्टर्स का किसी भी रो के एलिमेंट। अभी कॉलम हटा देते हैं, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, हैं? हाँ, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करे उसको क्या है जीवन में, एक आप नियम बना लो, जिससे भी डिस्टर्ब हुआ आप क्या कर दीजिए, हम और प्यार से पता लगा वैसे हटा दो। ठीक है, आपने हटा दिया उसको, एनी रो, तो कोई रो ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा वैसे ही देखते हैं, ए वन वन, जल्दबाजी में तो नहीं कोई, हाँ भाई ऊपर तो हमें जाना नहीं है, जल्दबाजी वाले लोग क्या हैं? बड़े खतरनाक होते हैं। उसने बोला कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर एडजॉइंट निकाला है कोफैक्टर्स, बोलो भाई बोलो। हाँ, कोफैक्टर मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सी वन, यहाँ 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 सी, यहाँ एनी रो, तो कोई भी रो लिया उसका प्रोडक्ट का सम करेंगे किसके साथ, विद देयर कोफैक्टर, मतलब इसका कोफैक्टर क्या है, सी वन वन, इसका कोफैक्टर क्या है, सी वन टू, इसका कोफैक्टर क्या है, तो इसका इससे पहले क्या करें, प्रोडक्ट करें, तो ए वन वन का किससे हो गया प्रोडक्ट, सी वन वन से, ए वन टू का, ए वन टू का, और ए वन थ्री का प्रोडक्ट किया, उसके बाद क्या करें, उसके बाद खाली स्थान भरना है।
ये तो बोला गया, हाँ तो खाली स्थान वो भरना है आपको, देख लीजिए। तो इतनी बात आई, ठीक है। तो एक मिनट अभी देखते हैं हम लोग, ओके। समझ रहे ना कि एक प्रॉपर्टीज़ ये है, ये क्या है कि अगर ये वाली रो उठाई आपने तो आप समझ गए होंगे, इसका प्रोडक्ट किससे, इससे, इसका इससे, इसका इससे, क्या इससे प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, ये उठाया, ये उठाया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, क्या प्रोडक्ट। फिर उसके बाद सम। तो ये सब चाहे आप इसका इससे कर लें, चाहे आप तीसरी वाली रो के एनी रो, उसने बोला ना एनी रो एनी कॉलम, खालिस्तान सेम आएगा, क्या आएगा सेम आने वाला है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उसको प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। चलिए देखिए, अभी हम पिछले वाले एग्जांपल से ये चीज़ करते हैं कि हमारा टाइम भी बच जाएगा ना, कोफैक्टर निकाले ना हमने कि दोबारा कोफैक्टर निकलाएं, तो ये तो फिर टाइम पास करने वाली बात हो गई ना। बोलिए। हाँ नौशाद, आज अभी मेरा दिमाग चल रहा है कि साला अगर बंद हो गया नहीं, मुझे मतलब अपने चीज़ों से बहुत लगाव है, मतलब अपना पढ़ाया हुआ भी बहुत लगा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। जब तक मैं देख नहीं लेता हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती। जैसे सुट्टेबाज होते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है, उनके साथ भी ऐसे होता है। हमने देखा है कि वो जब उनके पास नहीं होता है अगर, तो जाके वो बीड़ी तक भी अगर मिल जाती और टूटी हुई मिल जाती वो भी पी लेते हैं। मैंने आंखों से देखा अपने दोस्तों को, वो सुन रहे होंगे तो सुन ले साले, ठीक है, जो ठीक है अच्छी अच्छी ब्रांड पे से नीचे नहीं उतरते थे, तो उन्होंने देखा, हमने ऐसे ऐसा टाइम भी देखा कि टूटी हुई पड़ी हुई बस 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 बोलना नहीं भाई, ठीक है कल देखेंगे फिर। तो हमें लगा कि भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही नशा है, नशा जिसको लग गया फिर ठीक है, हाँ नशा लगा लो आप, ठीक। तो पिछला वाला एग्जांपल बोल दें, बोलो भाई पिछला वाला एग्जांपल, कौन सा मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स बताएं कौन सा, 3-4-2-5 ऐसे कहीं लिख दें, हाँ 3x3 वाले बताओ, तो 1-2-3 ऐसे लिखें, हाँ तो ऐसे बोलेंगे रो वाइज, रो के अलॉन्ग ऐसे बोल दें, 1-2-3-2-1-3-2-3-4 और 3x3 के, तो रो के अलॉन्ग या कॉलम के अलॉन्ग। अब हमने इसका एडजॉइंट कोफैक्टर्स के निकाले थे कि नहीं, एडजॉइंट की बात नहीं कर रहे हम लोग, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो इसका कोफैक्टर क्या निकला था, बोलो भाई, -5 -2 -4 -1 -2 -1 -3 -3 सही है गलत, हाँ यहाँ पे था ना, अच्छा ठीक, अब ठीक है। बोलो ये मतलब CIJ थी, ये क्या है CIJ था कि नहीं, इस मैट्रिक्स को हमने लिया था, इसका कोफैक्टर्स ये निकल रहा है, ठीक। अब हम लोग मैट्रिक्स को एक बार 1-2-3 2-1-3 और 2-3-4 का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू भाई निकालना सिखाएं या सीख जा गए हैं, हैं बोलो, हाँ डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना आता है कि नहीं आता है, आता है ठीक। तो देखें इस रो में चले गए, डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं हम, तो इसको 1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 4-9 ये समझ रहे ना, हाँ फिर -2 भाई इधर प्लस होता है ये माइनस ये प्लस, ठीक है, हाँ इस वाली रो को उठाएंगे, इस एलिमेंट को लिया, इसको छिपा दिया, इसको छिपा दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मिला, यहाँ लिखा गया, फिर आगे बढ़ेंगे -2 लेंगे, वही काम, फिर ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसका इससे 8-6 फिर आगे गए +3 अब फिर वही करेंगे, ये हटाया ये हटाया तो 6-2 बोलिए, तो -5 ये कितना आया
माइनस फोर और ये 12 आया, छः नहीं आया, ये कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ओके। अब हम लोग देखो यहाँ पे करते हैं, हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे कोफैक्टर्स, हम रो 2 को उठाते हैं, क्या उठाते हैं मतलब A21 है ये, और ये क्या है A22 है, ये तो अभी हमने क्या देखा, अभी कि एक मैट्रिक्स ली थी हमने, तो मैट्रिक्स क्या थी, एलिमेंट क्या थे 1 2 3, यहाँ पे क्या थे 2 1 3 2 3, और कोफैक्टर्स क्या थे -5 -2 4 1 -2 और 1 3 2 3 3 -3, ठीक है ये कोफैक्टर लिए थे हम लोगों ने, ठीक, और ये हमारे मैट्रिक्स थी। तो हमने देखा कि अगर हम पहली रो में जाएं, रो फर्स्ट में जाएं, तो यहाँ पे A11 और इसके करस्पॉन्डिंग C11 प्लस A12 C12, A13 C13 की बात करें, दूसरी रो में जाएं सेकेंड रो में, हाँ तो दूसरी में क्या A21 C21 A22 C22 और A23 C23, ऐसे थर्ड में भी जाएं तो थर्ड में भी हम लोग देख लेंगे भी, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में चले जाएं, फर्स्ट कॉलम में चले जाएं, तो फर्स्ट कॉलम ऐसे उतरेंगे A11 C11 प्लस A21 करस्पॉन्डिंगली A31 और ऐसे कर लेना। तो जैसे हम यहाँ दिखाने वाले वैसे यहीं, सपोज यहीं दिखा देते हैं, इसके लिए A11 की वैल्यू 1 है और C11 की वैल्यू -5 है, A21 की वैल्यू 2 है और C21 की वैल्यू 1 है, और A31 की वैल्यू 2 है और C31 की वैल्यू 3 है। जब आप सम ऑफ द प्रोडक्ट का सम करेंगे, -5 2 और 6, 8 में से 5 गया 3 है। यहाँ भी करके अगर देख लें, 21 की वैल्यू 2 है, C21 की वैल्यू 1 है, 22 की वैल्यू 1 है और C22 की वैल्यू -2 है, और 23 की वैल्यू 3 है और C23 की वैल्यू 1 है, तो 2 -2 + 3 तो क्या आया 3 आया, यहाँ पर भी क्या आएगा 3 है। जब हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला था, डिटरमिनेंट वैल्यू पीछे निकाला है अभी, वो भी कितना आया 3 आया। तो हमेशा किसी भी मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स के रो के या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, क्या करके मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो क्या आएगा खाली स्थान में, वो जो खाली स्थान था वो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, दैट इज मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मॉड ऑफ ए आएगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मॉड ऑफ ए आएगा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए आएगा। तो देखा गया कि चाहे किसी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके आप ऐसे करिए, कॉलम के अलॉन्ग करिए, वैल्यू में चेंज नहीं होता, उसी को डिटरमिनेंट वैल्यू बोलते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को ही क्या बोला गया, डिटरमिनेंट वैल्यू। मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आपने ए आई जे, इंपॉर्टेंट बात को हम दोबारा रिपाइज कर रहे हैं और कोफैक्टर्स डिनोट कर रहे हैं सी आई जे से, तो आप जो भी ए आई जे लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप सी आई जे का मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, सम करना है। आप किसी रो में या लेना या किसी कॉलम में रहना, अगर आप रो में रहते हैं, देखिए रो में रहते हैं, इसको ऑब्जर्व करिए। तो पहला सेम है, अब जो यहाँ सेम वही वो यहाँ है, वैरी क्या कर रहा है 1
टू थ्री। तो अगर कॉलम की एंट्रीज वैरी कर रही है तो मतलब उसी रो में है। तो अगर आपने क्या किया, I को फिक्स कर दिया और J वैरी करा दिया वन से लेके एन तक, ठीक है, यानी यहाँ पे J बराबर वन से लेके एन तक, तो रो वाइज चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? रो वाइज हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर I की वैल्यू वन है तो फर्स्ट रो में है, अगर I की वैल्यू टू है सेकेंड रो में है, I की वैल्यू n है nth रो में, ठीक है। अब यहाँ पर पहले देखो इसको एक्सपेंशन एक्सपेंड रूप दिख देते हैं तो आपको ज़्यादा मोर क्लियर होगा। जैसे आई बराबर वन ले लिया, क्या ले लिया, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो देखो जे की वैल्यू वन है, आई की वैल्यू वन है, तो ए वन वन सी वन वन प्लस करेंगे, समेशन मतलब क्या प्लस, आई की वैल्यू भी वन रहेगी तो ए वन, जे की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो चुका है और सी वन टू, आई की वैल्यू फिर वन है, ऐसे कर करके J की वैल्यू n हो गई, क्या हो गई, तो यहाँ पर a1n c1n इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ही होगा, ठीक है। मगर ये हम फर्स्ट रो में हैं, I की वैल्यू यहाँ 2, अगर डिलीट करके क्या कर दें 2 सेकेंड रो में, अगर I की वैल्यू n कर देंगे तो n भी रो में, अगर कॉलम वाइज जाना है तो वही लिखेंगे हम लोग aij cij, बस वैरी कराना है। तो अभी हमने जब J को वैरी कराया इसका मतलब कॉलम को वैरी कराया तो रो में थे, अब हमें आई को वैरी करा दें तो जब आई वैरी होगा मतलब पहली रो फिर दूसरी रो, तो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, तो जब रो पास होती हैं तो कॉलम में चले जाते हैं, और जब कॉलम पास होते हैं तो रो में, तो अगर कॉलम वैरी कर रहे हैं तो रो में है और रो वैरी कर रही है कॉलम में, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिक्स करना होगा हमें जे को, या तो जे को वन लेंगे या टू लेंगे या थ्री लेंगे, जे हमारा कोई भी वन से लेके एन तक कुछ भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू भी मॉड ऑफ ए आएगी, ठीक है, बात समझ आएगी नहीं।